हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, एक शेयर से रिलेटेड मैं काफ़ी दिनों से बुलिश हूँ और मैं आपको अगेन एंड अगेन एंड अगेन आपको वो वीडियो बनाते जा रहा हूँ, और उसमें आज एक और न्यूज़ आ गई है। ओके, और अभी ये शेयर 10,000 का मैंने पहले भी टारगेट दिया था, आज प्रॉफिट बुकिंग हुई तो उसमें देखिए प्रॉफिट बुकिंग हुई है, बट आपको बहुत नीचे मिल रहा है वो शेयर। ओके, उसमें छोड़ मत देना उस शेयर को, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर आपने वो अपॉर्चुनिटी छोड़ी तो ये शेयर में आप फिर पछताओगे कि जैसे तरीके से अलग अलग शेयर कितने परसेंट तक बढ़ गए हैं। ओके, डबल ट्रिपल रिटर्न दिए हैं, इसने भी दिए हैं, बट अभी और भागेगा ये शेयर। तो आपको बताना चाहता हूँ, एक और IPO आने जा रहा है और उसका फ़ायदा फिर दोबारा इसी शेयर को होगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, तो जिस शेयर से रिलेटेड बातें कर रहे हैं उसके बारे में बातें करेंगे, और फॉरेन इन्वेस्टर DIS ने भर भर के शेयर को ले लिया है। तो ये वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दैट हम आगे बढ़े, वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को, जो कि आपका खुद का चैनल है, इसे सब्सक्राइब करो, शेयर करो फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और हमें सपोर्ट करो दोस्तों, ताकि हम इस वीडियो ये इस चैनल को और ग्रो कर सके, और भी लोगों तक पहुँचा सके, और ताकि ये चैनल ग्रो होगा तो हम सभी भी ग्रो होंगे और हमारी नॉलेज भी सबके साथ में जाएगी और मुझे भी आप लोगों से नॉलेज मिलेगी। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दैट एक रिक्वेस्ट स्टोर है, नीचे आपको लिंक मिलेंगे दो, एक तो आपका एंजल ब्रोकिंग में फ्री में आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो यहाँ पर क्लिक करिए, फ्री में डीमेट अकाउंट, और 30 डेज तक ट्रेडिंग के लिए भी फ्री है। वैसे ट्रेडिंग के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता, बट स्टिल आप चाहते हो तो आप कर सकते हो। एज वेल एज श्री राम जन्मभूमि, आपको पता ही है वहाँ पर मंदिर बनने जा रहा है अयोध्या में श्री राम जी का, तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इनकी वेबसाइट पर जाएगा और कुछ भी डोनेट कर सकते हैं, 10 रुपये से लेकर आप जितनी अपनी इच्छा हो उसके हिसाब से आप डोनेट कर दीजिए और एक पुण्य काम में मदद करिए। तो ये वीडियो की तरफ चलते हैं, जिस शेयर से रिलेटेड बातें करने जा रहा हूँ, बड़ा बेहतरीन शेयर है। ओके, और आज के दिन में देखिए 8% की गिरावट हुई है शेयर में, न्यूज़ आया था तो ये भागा भी था। ओके, और ये मैं आपको बहुत टाइम से सजेस्ट कर रहा हूँ, तब से सजेस्ट कर रहा हूँ जब ये शेयर क्या कहते हैं 4600 पे चल रहा था, और उससे भी पहले भी मैंने आपको 3500 पे भी बताया ये शेयर, और आपको हमेशा बताया कि इस शेयर में खरीदारी करते रहिए, बाय ऑन डिप्स करते रहिए, मिलता है तो उठाते रहिए। और देखिए बाय ऑन डिप्स का फिर दोबारा एक और मौका मिल रहा है आपको, देखिए प्रीवियस क्लोज कितना है 5520, और मैंने एक सप्ताह पहले ही वीडियो बनाई थी तब 500 के आसपास ये चल रहा था, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, और अभी देखिए प्रॉफिट बुकिंग हुई, तो इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, बट यहाँ पर देखिए आपको बताना चाहता हूँ कि लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया है शेयर को दोबारा, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि क्या न्यूज़ है। और ये शेयर आपका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको दिखाऊंगा, तो आप देख सकते हैं क्या 145 रुपीज़ पर ये शेयर था, और आज के दिन में देखिए टॉप पर बैठा हुआ है, टॉप पर। और ऐसे शेयर ही आपको फ्यूचर में मल्टी बैगर रिटर्न्स देते हुए मिलेंगे, और कोई नहीं देता हुआ मिलेगा, तो इसलिए आपको बताना चाहता हूँ। आपको पता चल गया होगा प्राइस देखते हैं किस शेयर से रिलेटेड बातें कर रहा हूँ, अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर देखते होंगे तो आपको अंदाजा आ गया होगा, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण शेयर है और आपकी नज़र डेली इस पे जाती ही होगी, अगर आप मार्केट में हो, अगर आप मार्केट में पक्के हो तो यहाँ पर आप डेली इसे देखते ही होंगे, तो इसी से रिलेटेड बातें करने वाला हूँ। तो आइए दिखा देता हूँ कौन सा शेयर है, तो जिस शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं वो शेयर है इन्फो एज नौकरी। हाँ जी, नौकरी, इन्फो एज नौकरी, वही नौकरी डॉट कॉम वाला ये शेयर है, और आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें एक और IPO आने जा रहा है, और ये जो शेयर है धमाल मचाने वाला है। तो देखिए सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ इसमें किस किस में इसने शेयर खरीद रखे, देखिए नौकरी डॉट कॉम, ओके, जो पोर्टल है, ओके, उसमें इसकी हिस्सेदारी है, जीवन साथी डॉट कॉम में इसकी हिस्सेदारी है, रियल इस्टेट का 99acres.com जो कि आपको पता ही है उसमें हिस्सेदारी है, शिक्षा डॉट कॉम जो शिक्षा का है इसमें हिस्सेदारी इसकी है, अगर बात की जाए तो ओके, और अगर बात की जाए यहाँ पर यूनिकॉर्न, उसमें हिस्सेदारी है, जोमेटो, जोमेटो जिसका IPO आने वाला है, IPO आते साथ ये भागेगा ये शेयर सबसे पहले, क्यों? कितनी परसेंट हिस्सेदारी है? 22.7% स्टेक है, क्योंकि ओके जोमेटो जितना भी आगे भागेगा आप खरीद लेंगे तो आप समझ लीजिए जोमेटो में भी आपकी हिस्सेदारी हो गई। और इसके अलावा एक और IPO आने वाला है किसका? पॉलिसी बाजार डॉट कॉम का, और कितने परसेंट की हिस्सेदारी है? 15.1% की हिस्सेदारी है, और यहाँ पर ये अपनी OFS के थ्रू ये कंपनी थोड़ा बहुत हिस्सा इसमें बेचने वाली है। ओके, और मतलब OFS के थ्रू अपना हिस्सा थोड़ा सा बेचने वाली है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ही इसमें फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं
यहाँ पर ये रही न्यूज आपके सामने, पॉलिसी बाजार आईज आईपीओ ऑफ 4000 करोड़, मतलब 400 करोड़ रुपीज़ का आईपीओ लाने जा रही है ये कंपनी। अगर यहाँ पर देखिए, क्लोज टू फाइनलाइज बैंकर्स फॉर, देखिए बैंकर्स को भी इन्होंने फाइनलाइज कर दिया, कितने के आईपीओ के लिए, 3.5 बिलियन वैल्यूएशन का जो ये कंपनी है, ओके, कंपनी का वैल्यू है 3.5 बिलियन। तो इसमें देखिए, इसकी तरफ ध्यान रखिएगा, ओके, 400 करोड़ रुपये, 4000 करोड़ रुपये का यहाँ पर आईपीओ आने की जाने वाला है, ओके। और अगर बात की जाए कितना इसमें से, 15% ही इस कंपनी की वैल्यू 3.5 बिलियन है, ओके, बिलियन डॉलर, और बट 15% ही आईपीओ में के थ्रू यहाँ पर बेचने जा रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर अगर और बातें की जाए, देखिए लोगों ने इन्वेस्ट करना भी शुरू कर दिया है, अबू धाबी फर्म टू इन्वेस्ट कितना, 70 मिलियन डॉलर इन पॉलिसी बाजार। देखिए पॉलिसी बाजार में 70 मिलियन इन्वेस्ट भी यहाँ पर करने जा रही है ये कंपनी। तो देखिए ये कंपनी बहुत आगे बढ़ने वाली है, और इसका फ़ायदा सीधे किसे मिलने वाला है, इस का फ़ायदा मिलने वाला है इन्फोएस को, जिसकी वर्थ कितनी है, 10 बिलियन डॉलर। इन्फोएस जो कि बड़े बड़े दिग्गज के शेयर इसने ऑलरेडी ले रखे हैं, जैसे कि जोमेटो का भी आईपीओ आने वाला है, आपको पता ही है, ओके, कभी भी अनाउंस हो सकता है। यहाँ पर भी कार्यक्रम चालू है आगे का, यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवांस स्टॉक टू रेज, मतलब इतना तो ये पर यहाँ पर रेस करने जा रहे हैं ये कंपनी। तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा, ये शेयर काफ़ी बेहतरीन शेयर है अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो। देखिए अभी कितना, 5521 रुपये प्राइस था जब ये ओपन हुआ था, उससे ज़्यादा ही हो गया था, और अभी 8% की यहाँ पर देख सकते हैं सीधे गिरता हुआ नज़र आया था। और मैंने ये आपको पहले भी बताया था, 5000 रुपये पे ये शेयर आपको बताया था, 8 फरवरी आप देख सकते हैं, ओके, और 8 फरवरी और आज कितना है, 16, मतलब एक वीक के अंदर अंदर ये इसने 500 रुपये तो अब मूव दिया और 500 रुपये ही गिर गया है। तो अब ये मौका है आपके पास, अपॉर्चुनिटी है इसे खरीदने की। और अगर बात की जाए इस शेयर से रिलेटेड, तो देखिए यहाँ पर डेट फ्री, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, नेट प्रॉफिट देखिए सबसे ज़्यादा, हर साल का सबसे, अभी तक का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट 679 करोड़ रुपीज़। ईयर ऑन ईयर बेस की बात की जाए तो देखिए सबसे ज़्यादा अभी तक का 12 महीने का प्रॉफिट। अगर बात की जाए यहाँ पर रिजर्व्स की, तो कंपनी के पास 4335 करोड़ रुपीज़ का रिजर्व्स, और लगभग नेट डेट फ्री कंपनी कह सकते हैं 69 करोड़ रुपीज़ का केवल बोरिंग है, थोड़ी सी बोरिंग है। इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास अच्छा है, कैश बैंक बैलेंस अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। और अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग देते हैं सबसे मेन, तो देखिए 38.47% प्रमोटर्स की होल्डिंग है, इसमें से फॉरन इन्वेस्टर्स के पास कितनी है, 40.54, मतलब हर एक, देखिए 32 33, फिर उसके बाद थोड़े से घटाया, फिर देखिए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, और आज की डेट पे 41% की, 40.5% की हिस्सेदारी यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर रखते हैं। डीआईएस भी देखिए लगभग 11.5% की हिस्सेदारी है। पब्लिक के पास कितनी है, पब्लिक के पास है केवल 9.9.448, उसमें से भी देखिए बड़े बड़े लोगों ने ले रखी है, देखिए 2.5 2 2 4 5 6% की हिस्सेदारी लगभग इन लोगों ने ले रखी है, पब्लिक के पास केवल है 3%, ओके, केवल 3 और 4% ही हिस्सेदारी केवल पब्लिक के पास है, बाकी सब बड़े लोगों ने ले रखी है। तो आपको बताना चाहता हूँ काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, इसकी तरफ नज़रें बना के रखना, फिर ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, बाय ऑन डिप्स करते रहिए। ये शेयर आज आपको 5100 पे मिल रहे हैं, कल शायद ये दोबारा 5500 पे पहुंच जाए, क्योंकि इसी तरीके से ये हाई वोलेटाइल शेयर है, भागता भी इतनी तेज है और गिरता भी तेज है। उसका 52 वीक हाई की बात की जाए तो लगभग 5880, मतलब 5900 रुपये, मतलब अभी भी लगभग 800 रुपये, 900 रुपये, 800 रुपये कम चल रहा है ये शेयर। तो आप इसकी तरफ नज़रें बना सकते हैं, और जैसे ही ये आईपीओ जिस दिन आ गए ना, ये पॉलिसी बाजार और जोमेटो, जिस दिन ये आईपीओ की डेट अनाउंस हो गई, तो आपको बताना चाहता हूँ ये शेयर 10,000 तक से पहले नहीं रुकने वाला, ओके, ये, और जब तक ये आईपीओ लिस्ट होंगे ना, पहले या तो जोमेटो या पॉलिसी बाजार, तो ये शेयर 10,000 पे आपको दिखता हुआ नजर आएगा। और ये इसका, इन दोनों आईपीओ के सीधा प्रॉफिट यहाँ पर इस कंपनी को होता हुआ नजर आएगा, और हमने इसके शेयर ले रखे हैं, हम इसके मालिक हैं एक तरीके से समझिए, तो समझ लीजिए कि उसका फ़ायदा हमें होता हुआ नजर आएगा। तो आप खुद सोच लीजिए, क्योंकि कभी भी ये डिविडेंड देगी, जोमेटो ने डिविडेंड दिया, पॉलिसी बाजार ने डिविडेंड दिया, तो डिविडेंड किसके पास आएगा, इन्फोएस, इन्फोएस इनको पास डिविडेंड आएगा, तो डिविडेंड के इन्फोएस किसे देगी, इन्फोएस के हम शेयर होल्डर है तो हमें मिलेंगे। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना, ये शेयर काफ़ी भागने वाला है, इसलिए आपको बताने वाला हूँ, ये शेयर की तरफ नज़र बना के रखिए। और इसके अलावा हमने और भी वीडियोज़ बनाई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं
कल की डेट में मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी, HDFC का एक शेयर है जो कि 1:10 पे स्प्लिट होने वाला है, इसकी तरफ देख लीजिए, काफ़ी बेहतरीन शेयर है, इसमें आप पैसा कोई भी लगा सकता है नॉर्मल। हिंदुस्तान फूड्स भागे जा रहा है, आपको पता ही है, और भी बहुत सारे PBR, आयोनेक्स, बहुत सारे वीडियोज़ बनाई है, देखिए, काफ़ी बेहतरीन शेयर मैंने आपको बता रखे हैं जो कि डेली वाइज पर कोई ना कोई भागता हुआ नज़र आते ही है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एज वेल एज बेल आइकन को हिट करें, और हमें ग्रो करने में मदद करिए दोस्तों, फैला दीजिए सबके साथ। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।